ऋषि मैं ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ। ऋषि ऋषि उतार, ऋषि ऋषि आराम से, तुम ठीक हो ना? तुम रेस्ट करो ना। मैं ठीक हूँ लक्ष्मी, तुम रेस्ट कर लो प्लीज। लक्ष्मी ऋषि मैं ठीक हूँ, थैंक यू। क्या हो गया तुम्हें? सना रूडली क्यों बात कर रही हो मुझसे? लक्ष्मी तुम्हें पता है इन बातों से मेरा कितना दिल दुखता है, तो फिर ऐसी बातें करनी क्यों है? क्यों हो रही हो इतना रूड मेरे से? ऐसा क्या कह दिया मैंने? रूड क्या था इसमें? तुम्हें नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है, मुझे पता है अच्छी तरह से कि मैंने तुमसे क्या कहा है। लक्ष्मी क्या मैंने एक बार भी तुमसे ये कहा कि मैं मुझे थैंक यू बोलो, या फिर कुछ और कहने के लिए कहा तुमसे? कुछ नहीं कहा ना, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और हमेशा करते आया। यही दिक्कत है तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जानती नहीं? मैं तुम्हें जानती, बहुत अच्छे से जानती, और तुम यही करते हो। दिल छू लेने वाली बातें करते हो, सच्ची दिखने वाली हरकतें करते हो, और जब सामने वाला इंसान तुम्हें सच्चा मान लेता है, तुम पर आंख बंद करके भरोसा करने लग जाता है, तो तुम वही करते हो जो तुम हमेशा से करते हो। रियली मैंने क्या कर दिया ऐसा, और किस बारे में बात कर रही हो तुम बताओ मुझे? मैंने तुमसे कहा था किचन में आने के लिए, कहा था मैंने तुमसे, बुलाया मैंने तुम्हें। मैं अपने आप को खुद बचा सकती थी, मुझे कोई जरूरत नहीं थी तुम्हारी, और अभी भी यहाँ भी मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो प्लीज जाओ यहाँ से। तुम्हारी ये बातें सुनने की कि तुम मेरी चिंता करते हो, मेरी देखभाल करना चाहते हो, मेरी हिफाजत करना चाहते हो, मुझे तुम्हारे इस दिखावे की कोई जरूरत नहीं। मुझे सहेली को बुलाना पड़ेगा, ये दोनों बच्चे ये तो फिर से लड़ रहे हैं। सहेली को बुलाती हूँ। ये तो अच्छा हुआ ब्लास्ट से पहले सीएम मैम का कॉल आ गया और मिश्रा अंकल और ओजस यहाँ से निकल गए, वरना बात बहुत बढ़ जानी थी नानी। सही बात, पता नहीं कहाँ कहाँ तक बात चली जाती। अरे मुकेश सब ठीक है ना? जी दादी जी सब सही है, मैंने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया था, पर अब उनकी जरूरत नहीं है, मैंने बकेट से आग को बुझा दिया। अच्छा हुआ पारो वहाँ पे थी और वो चिल्लाने लगी, शायद ऋषि भाई ने पारो की आवाज़ सुनी और फिर उन्हें बचा लिया। पारो भी वहाँ थी, ठीक है ना? पारो लक्ष्मी को कहीं लगी तो नहीं है ना? कुछ नहीं हुआ दादी जी, सब सही है। पारो लक्ष्मी आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। पारो बेटा आप ठीक हो ना? हाँ। एक्चुअली नानी को ना आपकी और लक्ष्मी भाभी की टेंशन हो रही थी, पर आप टेंशन मत लेना, हमने डॉक्टर को बुला लिया, एकदम से सब ठीक हो जाएंगे, ओके? आप परेशान मत होना। अरे वो दोनों मुझे परेशान होने का मौका कहाँ देते हैं चाचू। एक मिनट पारो, तू परेशान होना चाहती है? नहीं रोहन, वो परेशान नहीं होना चाहती, इनफैक्ट वो तो अभी ऑलरेडी बहुत परेशान है, और बहुत परेशान। आप परेशान क्यों हो बेबी? वो है ना मेरे माँ डैड, उनकी वजह से। क्यों? उनकी वजह से क्या किया उन दोनों ने? वो दोनों लड़ रहे हैं सहेली, छोटे बच्चे जैसे, वो दोनों छोटे बच्चे बन रहे हैं। अच्छा तो ये बात है। अरे मैं तो आपसे उनकी शिकायत करने आई थी, पर आप स्माइल क्यों कर रहे हो सहेली? अगर मैं अपने स्माइल करने का कारण तुझे बताऊंगी ना, तो तू भी स्माइल करने लग जाएगी। बताओ ना सहेली आप क्यों स्माइल कर रहे हो? अरे वही उन दोनों बच्चों की लड़ाई की वजह से। क्या माँ और डैड की लड़ाई की वजह से? क्योंकि अगर वो दोनों लड़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि सब ठीक है। नहीं सहेली ऐसा नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। आपने देखा नहीं ना वो दोनों कैसे लड़ रहे हैं? और ऐसे लड़ना तो बुरी बात होती है ना रोहन? हाँ बहुत बुरी बात होती है, हमेशा मैं टीचर समझाती है कि लड़ना बुरी बात होती है। बुरी बात तो होती है, तो उनको भी समझाओ कोई कि ऐसे नहीं लड़ सकते। अगर वो दोनों ऐसे लड़ेंगे तो उन्हें स्कूल में एडमिशन दिलाना पड़ेगा। हाँ फिर हमारी टीचर ही उनको समझाएंगी, और अगर फिर भी नहीं समझे तो प्रिंसिपल मैम उन्हें डांट डांट के समझाएंगी। अरे मैं तो कहता हूँ तुम्हारी प्रिंसिपल को उठा के यहीं घर पे ले आते हैं ना। ओहो उसकी क्या जरूरत है, आज के दिन मैं इनकी प्रिंसिपल बन जाती हूँ। मैं उन दोनों बच्चों की जाके खबर लेती हूँ, अच्छे से खबर लेती हूँ। अरे दो दो बच्चों के माँ बाप बन गए और खुद बच्चों के भी बच्चे बन रहे हैं। चलो चलो सहेली, चलो बड़ी दादी। आज नानी फॉर्म में लग रही है, कुछ करके दिखाएगी। बहुत लड़ते हैं दोनों, बहुत लड़ते हैं, कुछ करके दिखाएगी।